बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां नगर के राजगुरु चौक पर आग लगने से लगभग 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि सुबह अचानक राजगुरु चौक स्थित श्री मोबाइल दिल्ली वाला एक मोबाइल पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अगल बगल की दुकान भी आग की चपेट में आ गई, जिसमें रमन भोजनालय ढाबा और गिरी बाबा की दुकान बुरी तरह से जल गई है। जब तक अग्निशमन की गाड़ी आई, तब तक दो दुकानें बुरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने की सूचना अग्निशमन पदाधिकारी को दी गई। मौके पर तुरंत पहुंचकर अग्निशमन के द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद एक दुकान को पूरी तरह जलने से बचाया गया। वहीं दो दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग दोनों दुकानें मिलाकर 10 लाख रुपए की संपत्ति की सामग्री जलकर राख हो गई। दुकान में कैसे आग लगी? बगल के? बगल से लगा, कैसे लगा, क्यों लगा? बगल में आग लगी, उसके बाद इसमें आग लगी। लगभग कितना की लॉस हो गया, मतलब कितना जला हुआ? मेरा तो 90%। संदीप कुमार नाम है मेरा। कैसे आग लगी? सर कोई पता नहीं है कैसे आग लगी है सर। लगभग कितने की रकम जल रही है? लगभग 10 से 15 लाख के आसपास आएगा। क्या चीज़ का दुकान था? मोबाइल कवर एसेसरी। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी संदीप कुमार। कितने बजे लगी है आग आपको? कितने बजे? लगभग 5 बजे के आसपास लगी है सर। 5 बजे आग का अभी पता नहीं चला कैसे? नहीं, पता नहीं चला सर। सूचना कैसे मिली? हम लोग सोए हुए थे घर पे, दो दिन आदमी गाँव मान लगाया है, वही बोला कि आपको दुकान में आग लगी है। हम लोग दौड़े दौड़े भाग भाग गया है।